question, a comment on the circumstances under which the question of delivery may come before court of law. Examination woman की for the evidence of delivery should be undertaken only after obtaining her informed consent in writing. ठीक है, लिखित में, पहले लिखित में उसका consent लेना है. Establishment fact की of delivery वो important होता है following circumstances में. एक तो यानी कि कोई case है alleged abortion का या infanticide का, तो उसमें हम delivery की जो है ना examination करेंगे वुमेन की फॉर द एविडेंस ऑफ डिलीवरी. दूसरा, अगर कोई फेंट डिलीवरी का केस है या फिर कोई कंसीलमेंट हो रही है बर्थ की या कोई कनेक्शन है लेजिटिमेसी का, लाइबल एक्शन ऑफ द डिस्प्यूटेड चेस्टिटी में और ब्लैकमेल में. सबसे पहले अबॉर्शन और इन्फेंटिसाइड में केस है, यानी कि जब वुमेन जो है वो अलीक्ट हुई है कि उसने अबॉर्ट किया है या उसने डिलीवर किया है और मार दिया है अपने बच्चे को, तो उस केस में. दूसरा, फेंट डिलीवरी वाले केसेस जो होते हैं, जैसे वुमेन जो है वो प्रिटेंड कर सकती है कि प्रेगनेंसी हुई है और डिलीवरी और सब्सिक्वेंटली प्रोड्यूस करे चाइल्ड टू क्लेम ताकि उसको विरासत मिले प्रॉपर्टी में से. तो सपोज़ ये चेस जो चाइल्ड होता है ना, वो चाइल्ड होता है जो सपोज होता है टू बी द चाइल्ड ऑफ दैट वुमेन, लेकिन वो एक्चुअली नहीं होता. तो ये प्रेजेंट होता है वो, यानी वो प्रेजेंट होती है करती है चाइल्ड को एज हर ओन दो नॉट एक्चुअली डिलीवर्ड बाय हर. तो उसमें हम प्रेगनेंसी को चेक करते हैं, डिलीवरी को. कंसीलमेंट ऑफ बर्थ वाले जो केस होते हैं, अगर चाइल्ड बॉर्न हो टू द अनमैरिड वुमेन या फिर किसी विडो को या फिर आउट ऑफ द लॉ वेडलॉक में, तो वुमेन जो है वो माइट विश टू कंसील द चाइल्ड आउट ऑफ द शेम, मतलब शर्म के मारे वो छुपाएगी उसको, तो हम उसमें भी डिलीवरी चेक करेंगे. लेजिटिमेसी, यानी कि ओनली अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द लॉफुल वेडलॉक विद इन अ कॉम्पिटेंट टाइम, तो उसको हम कहते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड और ये इंटाइटल्ड होता है टू इनहेरिट द पेरेंट्स प्रॉपर्टी. फिर है डिस्प्यूटेड चेस्टिटी, जब अनमैरिड वुमेन या फिर विडो या फिर वाइफ जो किसी दूर रह रही हो अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, तो वो डीफेम हो या लाइबल्ड हो टू हैव डिलीवर्ड अ चाइल्ड, तो शी मे लाइक टू विंडिकेट हर सेल्फ. ठीक है, ब्लैकमेल में देखें तो वुमेन मे प्रोड्यूस अ सपोजिटस चाइल्ड और ब्लैकमेल करे किसी को, यानी कि अपने उसी के बच्चे के फादर को, टू एक्सट्रैक्ट मनी. यहाँ पे फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हुआ पारिक से. अब हम चैप्टर नंबर 8 सेक्चुअल ऑफेंसेस एंड रिलेटेड इशू जो है वो फोरेंसिक मेडिसिन नसीब अवान बुक से करेंगे. तो इसमें हमने जो है वो प्रेगनेंसी और उसके मेडिको लीगल इशूज़ वो हमने पढ़ लिया था. तो इंट्रो से हम देख लें तो सेक्चुअल इंटरकोर्स जो है ना आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी, ये बायोलॉजिकल नेसेसिटी होती है जो कि सेटिस्फाई होती है आफ्टर द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सोशल नॉर्म. सोशली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स वेडलॉक की जो है वो अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी होती है, दैट इज़ की प्यूबर्टी, म्यूचुअल कंसेंट पार्टनर्स का बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्स, नॉट हैविंग ब्लड रिलेशनशिप एंड सेक्सुअल इंटेलिजेंस इन द नेचुरल वे. वेडलॉक का मतलब है मैरिज. ठीक है, फिर लिखा है कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय आइदर पार्टनर रेज करता है इशू फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ होते हैं ना जो कि रेज होते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, वो फिजिकल इनएबिलिटी होती है टू परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि इंपॉर्टेंस है किसी भी पार्टनर की, स्टेरिलिटी है एंड विरिलिटी है. विरिलिटी का मतलब है क्वालिटी ऑफ हैविंग द स्ट्रेंथ एंड एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग सेक्स ड्राइव, यानी इसको मैनलीनेस कहा जाता है, ये मैन में होती है. ठीक है, इंपॉर्टेंस और स्टेरिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्वेश्चंस इन द केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड पैटर्निटी. डिस्प्यूटेड पैटर्निटी का मतलब है कि यानी कि मैन जो है वो फादर हो किसी चाइल्ड का और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले बच्चे की कि ये मेरी औलाद नहीं है, बायोलॉजिकल फादर जो है उसका बच्चे का वो ना ले रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना के केसेस में. एंड द क्लेम्स फॉर द डैमेजेस फॉर द लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन ड्यू टू क्रिमिनल इंजरी या किसी एक्सीडेंट की वजह से एट द वर्क. अबव कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं किसी पर्सन में सिंगली या फिर टुगेदर ओवरलैप करेंगे विथ ईच अदर, ओवरलैपिंग वन विथ अदर. ठीक है, प्यूबर्टी देखें तो ये अटेनमेंट होती है एट द एज ऑफ 13 इन द फीमेल्स एंड 14 इन द मेल्स, ये याद कर लें 14 फीमेल्स मेल्स में. एंड बिलो दिस एजेस लॉ प्रिज्यूम करता है प्रेजेंस इंपॉर्टेंस की इन बोथ सेक्सेस. बॉय बिलो दिस एज जो है यानी 14 से बिलो हैज़ द पावर ऑफ इरेक्शन एंड थस द एबिलिटी ऑफ कोइटस. सिमिलरली फीमेल में ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन कमेंस सून हो सकती हैं, थस फीमेल जो है वो सेक्सुअली डेवलप हो सकती है एट एन अर्लियर एज पे. लॉ फर्दर जो है वो प्रिज्यूम करता है कि आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी मैन जो है वो कल्पेबल है ऑफ बिगेटिंग अ वुमन, मतलब अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी मैन कैपेबल है ऑफ बिगेटिंग और वुमेन जो वो कैपेबल है ऑफ बियरिंग द चिल्ड्रन. बिगेटिंग का मतलब है कोई मैन यानी कि बच्चा पैदा करे
बाय रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंस पे आते हैं तो ये डिफाइन होती है इनेबिलिटी आइदर पार्टी की टू परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम एनी कॉज, वेदर वो टेम्पररी है या परमानेंट। इंपॉर्टेंस होती है दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं एज पे। कोर्ट जो है वो डिक्लेयर करता है मैरिज को नल जब परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाए टू कंज्यूम मैरिज बाय आइदर स्पाउस ड्यू टू इम्पोर्टेंस। 8.1 जो टेबल है इसमें है फिजिकल कॉजेज इम्पोर्टेंस के। मेल्स में देखें तो कोई कंजेनाइटल या एक्वायर्ड एब्सेंस हो सकती है सेक्स ऑर्गन्स की, कोई कैंसर हो सकता है पेनिस का, सार्कोमा टेस्टिस का, हर्नियाज बड़े बड़े हो सकते हैं हाइड्रोसील या एलिफेंटियासिस की वजह से। फीमेल में जो है ना कंजेनाइटल एब्सेंस होती है एट्रेजिया वेजाइना का, फर्म या इम्परफोरेट हाइमेन होता है और या अडेशंस होती हैं लेबिया की, या प्रोलैप्स्ड यूट्रस होता है, वेजाइनल ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर इनके जनरल कॉजेज देखें, ये लोकल कॉजेज थे तो जनरल कॉजेज बोथ सेक्सेस में देखें तो कोई डिजीज़ हो सकती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जैसे किसी को हेमिप्लेजिया डायसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस की वजह से, सिरिंजोमाइलिया में एंडोक्राइन डिसफंक्शन ऑफ पिट्यूटरी और थायरॉयड ग्लैंड की वजह से, अब्यूज़ हो ड्रग्स का अल्कोहल या कोई और अदर एडिक्शन किसी ड्रग की, या फिर ओबेसिटी भी हो सकती है। देखिए मेल्स में सिर्फ है ये ओबेसिटी वाला फैक्टर और ये फीमेल्स में नहीं है एज द फंक्शन ऑफ द फीमेल इज़ एंटायरली पैसिव। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ये कॉज कराएगी मेल्स में फियर ऑफ इनएबिलिटी टू कम्प्लीट द सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिस्कस्ट ऑफ द एक्ट या डिसलाइक करे फॉर द पार्टनर। ये अंडरलाइंग डिफिकल्टीज जो है वो रिजल्ट करेंगे नॉन इरेक्शन और ये प्रिवेंट करेंगे कोइटस। फीमेल्स में इम्पोर्टेंस जो है ऑफ एन एक्टिव नेचर लीड करती है टू स्पाजम ऑफ द वजाइना विच प्रिक्लूड्स इंटरकोर्स। ये कंडीशन को हम वजाइनिसमस कहते हैं, यानी ये एक किस्म की इनवॉलंटरी टेंसिंग हो जाती है वजाइना की। पेरिनियल एनाटॉमी नॉर्मल है और फियर ऑफ द एक्ट या फिर डिसलाइक ऑफ द पार्टनर कॉजेस इट, उसकी वजह से ये होता है। देयर इज़ अ रिफ्लेक्स स्पाजम लिवेटर एनाइका और पेरिनियल मसल्स का, एडक्टर्स ऑफ द थाई एंड इरेक्टर स्पाइनी, इनकी वजह से। स्टरिलिटी देखें तो ये इनएबिलिटी है टू इम्प्रेगनेट बाय मेल और टू कंसीव बाय द फीमेल। इम्प्रेगनेट यानी कि फीमेल को प्रेगनेंट करना वो नहीं कर सकेगा और फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर सकेगी, तो मतलब वो स्टेराइल है। तो कॉजेज स्टेरिलिटी के कंजेनाइटल होते हैं नॉन प्रोडक्शन जर्म सेल्स की, यानी स्पर्मेटोजोआ की मेल्स में और ओवा की फीमेल में। बाकी जो कॉजेज हैं मेल्स में वो मेल फॉर्मेशंस होती हैं पेनिस की, जैसे कि हाइपोस्पैडिस या एपिस्पैडिस, सर्जिकल रिमूवल हो जाए टेस्टिस का, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑपरेशन हुए हों और इन्फेक्शन हो जैसे गोनोरिया का। तो कॉज फीमेल्स में जो है ना वो इन्फेक्शन रिप्रोडक्शन अपरेटस का हो सकता है, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट होती है, या ओवरीज की डिजीजेस एंड लेजन्स ट्यूब्स के अंदर। जब इस तरह के केसेस लाए जाते हैं कोर्ट में तो मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों मेल और फीमेल की ऑर्डर की जाती है टू कन्फर्म द फिजिकल इंटेग्रिटी बिसाइड देयर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। प्रूफ पोटेंसी का या इम्पोर्टेंस का लार्जली इन्फरेंशियल है। स्टेरिलिटी जो है वो ग्राउंड नहीं है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जो रिक्वायर करती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू कंफर्म द एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्मेटोजोआ और ओवा। नेक्स्ट हमने ये प्रेगनेंसी और उसके मेडिको लीगल इश्यूज जो है ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था, ये हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन न्यू बॉर्न की। स्टिल और लाइव बर्थ, पीरियड ऑफ जेस्टेशन एंड एज ऑफ द फीटस। प्रूफ ऑफ स्टिल बर्थ देखें, ये डिपेंड करता है अपॉन द कंडीशन ऑफ फीटस एट द टाइम ऑफ बर्थ। एविडेंस मैसरेशन का या ग्रॉस एबनॉर्मिटी का प्रिक्लूड करता है लाइव बर्थ। कंडीशन चेस्ट की, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक और सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प करती है इन दिस एवेल्यूशन। बिफोर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चेस्ट जो है वो अनएक्सपेंडेड होती है और लंग्स जो है फंक्शनलेस होते हैं। ये फिल नहीं करते चेस्ट कैविटी को और ये ओवरलैप नहीं करते हार्ट को। ये स्मॉल और हार्ड होते हैं और ये क्रेपिटेट नहीं करते। एजिस लंग्स की शार्प होती हैं और रिजेंबल करती हैं दोज ऑफ द लिवर। रेस्पिरेशन के बाद ये फिल करेंगे थोरेसिक कैविटी को फुली, ओवरलैप करेंगे हार्ट को और ये स्पंजी हो जाएंगे अपनी कंसिस्टेंसी में और मोटल होंगे और सॉरी क्रेपिटेट करेंगे। उनके एजेस राउंड होंगे और कलर जो है इनका मोटल लाइट एंड डार्क रेड हो जाएगा। सेक्शन पे ना ब्राइट रेड ब्लड और फ्रॉथ एस्केप करेगी। फ्लोटेशन या हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट एंड माइक्रोस्कोपी रिलायबल इन्वेस्टिगेशन होती है ताकि डिसाइड करें एरेशन को। माइक्रोस्कोपी के लिए लंग्स जो है ना ये रिमूव करेंगे और प्लेस करेंगे एट वंस इन अ फिक्सेटिव विदाउट एक्सेसिव हैंडलिंग। सेक्शन शो करेगा एक्सपेंडेड एल्वियोलाई जो कि रेडिली डिफ्रेंशिएट करेंगे सच लंग को फ्रॉम द वन विच हैज़ नेवर रेस्पायर्ड। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एडिशनल एडवांटेज होती है कि ये प्रोवाइड करती है एविडेंस पल्मोनरी डिजीज़ का या एबनॉर्मिटी जो जिसने मतलब डेथ करवाई हो। स्टिल बर्थ में
एल्विला अपीयर होते हैं कोलैप्स्ड, और हाइड्रोस्टेटिक जो टेस्ट होता है ना, ये नेगेटिव आता है। आफ्टर द चाइल्ड हैज़ टेकन द ब्रेथ, तो एल्विला एक्सपेंड कर जाएंगे और उनके जो एयर है ना उनमें, वो उनमें आ जाएगी और हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है टू एक्सक्लूड दिस टेस्ट बीइंग फाल्सली पॉजिटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीकम्पोजिशन गैसेस की वजह से, और फाल्सली नेगेटिव हो सकता है बिकॉज ऑफ द नमूनिक कंसोलिडेशन। इस 8.5 में देखें, इसमें फीचर है अनब्रीथ लंग में और ब्रीथ लंग में। साइज देखें, अनब्रीथ का ना स्मॉल होता है, 1/70 ऑफ द बॉडी वेट होगा, जबकि ब्रीथ लंग लार्ज होता है, 4-6 टाइम बड़े होते हैं। कलर जो है अनब्रीथ का यूनिफॉर्म डीप वॉयलेट किस्म का होता है, उसका जो है मॉल्टेड या लाइटर किस्म का होगा। कंसिस्टेंसी पे आए तो वो हार्ड होगी और नॉन क्रेपिटेंट होगी, उसमें स्पंजी इलास्टिक और क्रेपिटेंट होंगे, एजेस शार्प होंगे, ब्रीथ लंग के राउंडेड होंगे। एयर सैक्स पे देखें तो वो विजिबल नहीं होती, और ब्रीथ लंग की विजिबल होती हैं एंड ऑफ यूनिफॉर्म साइज होगी। कट सर्फेस देखें तो उसमें फ्रॉथ भी नहीं होगी ऑन स्क्वीजिंग, जबकि ब्रीथ लंग जो है वो फ्रॉथ शो करेगा ऑन द स्क्वीजिंग। फ्लोटेशन टेस्ट जो है अनब्रीथ का नेगेटिव आता है, उसका पॉजिटिव माइक्रोस्कोपी में एल्विला का कोलैप्स लेंगे, लेकिन उसमें एल्विला एक्सपेंड। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रूफ ऑफ द लाइव बर्थ। बिसाइड द कंडीशन ऑफ द फीटस एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ये इज द प्रेजेंस फूड की और एयर की इन द GIT एंड अदर चेंजेस फीटल की ब्लड वेसल्स में। देखिए, चाइल्ड जो होता है लेबर के दौरान जब अटेम्प्ट करता है टू ब्रीथ, स्वेलो करेगा एयर को। फ्लोटेशन टेस्ट्स जो है ना परफॉर्म करेंगे ऑन स्टमक एंड अ पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन आफ्टर ट्राइंग एट बोथ एंड ऑफ द सेगमेंट्स टेकन फ्रॉम द ट्रैक। एविडेंस प्रेजेंस ऑफ द एयर का स्टमक में भी डिमॉन्स्ट्रेट होता है बाय ओपनिंग इट अंडर वाटर एंड बाय रेडियोलॉजी। क्लोजर फोरामेन ओवेल की, डक्टस आर्टेरियोसस की और डक्टस वेनोसस की जो के पैटर्न होते हैं एट द बर्थ इज़ अ वाइटल चेंज, माइक्रोस्कोप हेल्प करेगी इसकी डिटेक्शन में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेजिटस यूट्राइनस में। ये क्राय होती है बच्चे की जब ना वो इंस्पायर करता है वाइल स्टिल इन द बर्थ कनाल एंड इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ लाइव बर्थ, यानी कि मेम्ब्रेन्स का रप्चर हो जाए और बर्थ कनाल में ही बच्चा क्राय करे। एज ऑफ द फीटस पे आते हैं, ये डिपेंड करता है अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल इंडिकेटर्स लाइक बॉडी की मेजरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग उसमें ऑसिफिकेशन सेंटर्स स्पेशली इन द लॉन्ग बोन्स, 5th to 9th मंथ लेंथ ऑफ द फीटस से लेके वर्टेक्स टू हील तक ये गुड इंडिकेटर होता है ऑफ द एज, बिसाइड्स फ्रॉम द 7th मंथ व्हेन द फीटस इज लीगली वायबल लेंथ। मॉर्फोलॉजिकल इंडिकेटर्स एंड द सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन डिटरमाइन करेंगे एज को। ये देखिए, ये जो नसीबवान में चार्ट है ना, तो इसमें है इंट्रायूट्राइन एज और उसमें मॉर्फोलॉजिकल इंडिकेटर कौन से होंगे, तो ये आपने अच्छे से रट लेना है। अब एज ऑफ द न्यूबॉर्न कैसे पता चलेगी, ये डिपेंड करेगी चेंजेस इन द हेड और फंक्शनल एस्पेक्ट सर्कुलेशन का। देखिए, पहले जो फ्यू डेज होते हैं ना वो असेस किए जा सकते हैं इनिशियली फ्रॉम द प्रेजेंस कैपट सक्सीडेनम का, जो बनता है ड्यूरिंग द बर्थ इन द केस ऑफ हेड प्रेजेंटेशन। ये ना कैपट सक्सीडेनम ना बनता है, ये प्रेशर स्वेलिंग होती है स्कैल्प की न्यूबॉर्न में, ये ज़्यादातर ना जब प्रेशर पड़ता है ना यूट्रस या वेजाइनल वाल का ड्यूरिंग द हेड फर्स्ट यानी वर्टेक्स फर्स्ट डिलीवरी जब होती है तो उस केस में ये बनता है, इस किस्म का ये होता है। देखें, ये डिसअपेयर कर जाता है 2-3 दिन में आफ्टर द बर्थ। मिकोनियम जो है ना, ये एक डार्क ग्रीन कलर का मटेरियल होता है इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस का और कुछ एमनियोटिक फ्लूड जो कि प्रेजेंट होता है इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ द फुल टर्म फीटस। ये कंटिन्यू करेगा टू डिस्चार्ज 3-4 दिन तक रेक्टम से, मतलब वो निकलेगा मिकोनियम। ड्राइंग अम्बिलाइकल कोड की 2-3 दिन में होगी। ये शो करेगा रिंग ऑफ हाइपरीमिया ड्यू टू इन्फ्लामेशन अराउंड द प्लेस ऑफ अटैचमेंट, जो कि फुली डिवेलप होगी बाय द 3rd डे और स्लो ऑफ हो जाएगी 5-6 दिन में। फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टेरियोसस पैटर्न होते हैं बर्थ के टाइम पे और ये ग्रेजुअली क्लोज होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं बाय द 3rd वीक। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अबॉर्शन पे। देखिए, अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है और क्रिमिनल, और ये डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन है फ्रॉम द नेचुरल कॉजेज, ये क्वाइट कॉमन है एंड इट्स कॉजेज आर बोथ इन द फीटस एंड इन द मदर। फीटल कॉजेज देखें वो होते हैं ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। मैटरनल कॉजेज में ना डिजीज़ होती हैं जैसे डायबिटीज़, नेफ्राइटिस, इन्फेक्शन जो कि हाइपरपायरेक्सिया के साथ एसोसिएटेड हो, कोई एडवांस हार्ट डिजीज़ हो, कोई प्रोफाउंड अनीमिया हो, मेल न्यूट्रिशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, लोकल एबनॉर्मलिटीज़ हो किसी यूट्रस की, फीमेल की यूट्रस की। तो यानी लोकल जो कॉज होते हैं ना यूट्रस की, वो रेट्रोवर्जन होती है, फिब्रॉइड्स होते हैं, हाइपोप्लेजिया ऑफ द यूट्रस, लेड पॉइजनिंग, सिवियर शॉक और प्रोलॉन्ग्ड फटीग भी अबॉर्शन करवाती है। क्रिमिनल अबॉर्शन पे आए तो अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द जेस्टेशन, ये दो तरह का होता है। एक होता है इस्क्वाते हमल
और दूसरा होता है स्क्वाथेजेनिन। कोई एक्यूरेट स्टेटिस्टिक नहीं है इन अबॉर्शंस का, लेकिन ये बिलीव होता है कि 20% ऑल द प्रेगनेंसीज एंड करती हैं प्री मेच्योरली, और 40% इनमें जो होती है ना वो ड्यू टू क्रिमिनल इंफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस। टाइम और मेथड क्रिमिनल इंटरफेरेंस का डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे और स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी पे। अब स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी देखें तो देखिए, एक ओवम स्टेज होता है अप टू 10 days, एम्ब्रियो स्टेज अप टू 9th week, फीटल स्टेज अप टिल डिलीवरी, तो मतलब उस हिसाब से अबॉर्शन होगा। फर्स्ट स्टेज में वुमेन जो है वो श्योर नहीं होती अबाउट द प्रेगनेंसी एंड शी ओनली रिसोर्ट्स टू एक्सरसाइजेस, हॉट बाथ लेती है और वेजाइनल डोशेज विद द होप दैट दे विल कॉज अबॉर्शन। सेकेंड स्टेज में ना सस्पिशन होता है प्रेगनेंसी का, बिकम्स असर्टेनिटी। सारे क्रिमिनल जो अबॉर्शन होते हैं ना वो ज़्यादातर पहले 3 महीनों में होते हैं जब वुमेन श्योर होती है अबाउट द प्रेगनेंसी। अब पॉइजनस सब्सटेंसेस चूज़ किए जाते हैं, कोई ड्रग सेफ नहीं है एंड ड्रग जो किल करे फीटस को वो मदर को भी किल कर सकती है। तो ये ड्रग्स, उनमें वो ड्रग्स हैं जो कि रिफ्लेक्स इरीटेशन कराएं यूट्रस की, जैसे कि परगेटिव्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, ड्रग्स जिनको डायरेक्ट एक्शन होता है यूट्रस पे जैसे कि अर्गट एंड अदर, ड्रग्स जिनमें स्पेसिफिक एक्शन होता है जैसे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट या फिर क्विनिन। अबॉर्टिफेशंस के ड्रग्स देखें तो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, ड्रग्स एक्टिंग इनडायरेक्टली ऑन द यूट्रस, उसमें इमेटिक्स हैं, ड्रास जैसे इमेटिक में टार्टर है, ड्रास्टिक परगेटिव जैसे कास्टर ऑयल, क्रोटोन ऑयल, एसेंशियल ऑयल जैसे एपियोल, जूनिपर, टर्पेंटाइन। फिर लोकल इरीटेंट्स भी यूज़ होते हैं जैसे साल्ट ऑफ द हैवी मेटल, जैसे कि ओलिएट ऑफ द लेड। नेक्स्ट ड्रग्स जो कि डायरेक्टली एक्ट करती हैं यूट्रस पे, उसमें एक एक्बोलिक्स हैं जिसमें अर्गट, गोसिपसम, क्विनिन, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है। दूसरे हैं अमाइनोग्वाड्स, उसमें सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस, बोरेक्स, ऑयल ऑफ सेवन, ये आ जाते हैं। अब हम ये पढ़ रहे थे तो तीसरा जो स्टेज होता है ना, इन द व्यू ऑफ द फेलियर ऑफ द अर्लियर मेथड, तो ड्रास्टिक मेजर चूज़ किए जाते हैं। सारे तरह के जो प्रॉबिंग इंस्ट्रूमेंट है जैसे पेंसिल्स, निटिंग नीडल्स, नेल्स, ये पास होते हैं वजाइना में विद होप टू डिसलोज द फीटस। हिगिंसन्स सिरिंज लोडेड विद द डिसइंफेक्टेंट जैसे डिटोल से या सेलवन से या फिर इवन किसी साबुन से, वो भी यूज़ हुई है इन द पॉइजनिंग कंसनट्रेशन इन एन अटैम्प्ट टू डिटैच द प्लेसेंटा, उसको डिटैच करने के लिए। इस तरह के अटैम्प्ट में ऑन मैनी ओकेजन डेथ हो गई है मदर की। ये फिगर देखें, ये है हिगिंसन सिरिंज, ठीक है, जो यूज़ होती है, इसमें ये इंसर्ट करते करके पॉइजन और फिर इंसर्ट कर दी जाती है। ये फिगर देखिए, इसमें साइट है और क्रिमिनल मेथड है अटैम्प्टिंग अबॉर्शन का, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एबोलिक्स परगेटिव्स और डायरेक्ट वायलेंस वहाँ पे होगी, ठीक है, ये साइट्स हैं। थेरापिटिक अबॉर्शन पे आए, ये नेसेसरी होता है टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर, और ये इसीलिए हम परफॉर्म करते हैं बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। क्रिमिनल इन्फेरेंस बाय ले इंडिविजुअल शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द थेरापिटिक टेक्निक जो कि कोई स्किल मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहे, तो इन दोनों में फ़र्क है। टेक्निक है अडॉप्टेड फॉर द थेरेप्यूटिक अबॉर्शन, डायलेशन एंड करटेज जो है DNC जो होता है इन द अर्ली स्टेज में होता है अप टू 12 weeks तक। हिस्टेरोटोमी ये अब्डोमिनल या वेजाइनल होती है आफ्टर द 12 week होती है। अमनियोसेंटेसिस जो है ना ये लेटर स्टेजेस में होती है अब्डोमिनल या वेजाइनल, और वैक्यूम सक्शन जो है ये भी लेटर स्टेजेस में होती है। प्रेग्नेंट वुमेंस डेथ पे आएँ तो क्रिमिनल अबॉर्शन से जो होती है वो आइदर रैपिड होगी या डिलेड डेथ होगी। रैपिड डेथ होती है ड्यू टू वैगल इनहिबिशन, एयर एम्बोलिज्म हो जाए, कोई रैपिड हेमरेज हो जाए, और जो डिलेड डेथ होती है वो सेप्सिस की वजह से या बाकी कॉम्प्लिकेशन जैसे रीनल फेलियर की वजह से। वुमेन जो डाई करती है रैपिड डेथ से वो फाउंड होती है नियर द सीन ऑफ इन्फेरेंस, एंड दैट डाइंग लेट ड्यू टू सेप्सिस और रीनल फेलियर इज फर्स्ट एडमिटेड टू हॉस्पिटल प्रायर टू हर डेथ। सम केसेस में डिवेलप लेट कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पेल्विक सेल्यूलाइटिस या थ्रोम्बोफिलिबाइटिस जो कि इवेंचुअली पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा के और डेथ करवा देंगे। इस फिगर में है कॉम्प्लिकेशन अबॉर्शन की, इन्फेक्टिव है पहले वाले में, दूसरे में ट्रॉमेटिक है। इन्फेक्टिव वाले में देखें तो इन्फेक्टेड वेजाइनल अब्रेशन है, इन्फेक्शन है सर्विक्स का, सेप्टिसीमिया, यहाँ पे सेप्टिक एंडोमेट्राइटिस है, पेल्विक सेल्यूलाइटिस, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस, सारे जो हैं वो मेंशन है। इसमें है ट्रॉमेटिक, तो ये लेसरेशंस वगैरह ये सारी मेंशन है, ये अच्छी तरह से रीड कर लें। डेथ्स देखें फ्रॉम द वैगल शॉक, ये सेंसिटिव प्रेग्नेंट वुमेन में होती है जो कि सब्जेक्ट होती है टू इंटरफेरेंस विदाउट एनेस्थीजिया। एप्लीकेशन ऑफ अ स्टिमुलस टू द नेक ऑफ द वूम्ब
वॉम्प इज लाइक वन अप्लाइड टू द लैरिंग्स या ट्रेकिया, उसी के मतलब तरह होता है ये। तो ये कैपेबल होता है वो प्रेसिपिटेटिंग वैगल इनहिबिशन और सडन अरेस्ट हो जाता है हार्ट का। डेथ इस तरह की केसेस में होती है आलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। अगर वुमेन अटेम्प्ट करे सेल्फ अबॉर्शन तो शी वुड बी फाउंड डेड अमंगस्ट द अपरेटस। नेक्स्ट है डेथ फ्रॉम द एयर एम्बोलिज्म। ये रिजल्ट करता है फ्रॉम एयर जो है ना वो पंप हो जाती है इनटू द कैविटी ऑफ द वूम्ब ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन इंजेक्शन में, स्टिपिंग मेम्ब्रेन की फ्रॉम द यूट्राइन वॉल और डिटैचमेंट प्लेसेंटा की एक्सपोज कर देती है लार्ज ब्लड वेसल्स को और नेगेटिव प्रेशर वेन्स के अंदर ना सक कर देता है सफिशेंट एयर को और अदर फ्लूड्स को सर्कुलेशन के अंदर। तो एयर कैरी होती है हार्ट की तरफ या इन्फीरियर वेना का और फिर वहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन में और वहाँ पर फिर रैपिड डेथ हो जाती है जिसके नतीजे में फिर डेथ रैपिड हेमरेज से। ये होता है क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज़, पहली कि हेमरेज जो ना वो कलेक्ट हो जाता है यूट्राइन कैविटी में ड्यू टू द रप्चर लार्ज ब्लड वेसल्स का फॉलोइंग द डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। दूसरी सिचुएशन क्यूरेट परफोरेट कर सकता है यूट्रस को और इंजर कर देगा यूट्राइन वेसल्स को या फॉलोइंग परफोरेशन में गो इनटू द एब्डोमिनल कैविटी और इंजरी कर देगी टू द इंटेस्टाइन जो कि पुल्ड आउट होंगी ऑफ द वजाइना ड्यूरिंग द विथड्रॉल क्यूरेट। इस तरह के केसेस में लार्ज वॉल्यूम ब्लड का आइदर रिटेन रहेगा इन द नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस में या फिर एब्डोमिनल कैविटी में और लिटिल एक्सटर्नल हेमरेज होती है। 8.3 में देखिए इसमें ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पुल आउट हो गई है वजाइना से और इट्स फ्री एंड जो है वो टाइड है विद द कॉटन क्लॉथ पीस। अबॉर्शनिस्ट जो है मिसकंसीव्ड पुल्ड आउट इंटेस्टाइन इज अ कॉर्ड। इलस्ट्रेशन आल्सो शो ब्रूजेस ऑन द अपर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द थाई। मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कंडक्ट करता है ना ऑटोप्सी शुड बी कन्वर्सेंट विद द टाइप ऑफ द ड्रग एंड इंस्ट्रूमेशन जो जनरली यूज़ की जाती है इस तरह के पर्पज़ के लिए। ठीक है बिसाइड द मोड ऑफ द डेथ बाई विच द विक्टिम डाए सिंस द सब्सिक्वेंट पोस्टमार्टम फाइंडिंग हैव टू बी रिलेटेड विद द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ऑटोप्सी एग्जामिनेशन इस तरह की डेथ में होती की जाती है एज सून एज पॉसिबल। ये बॉडीज डीकम्पोज जल्दी करती हैं और अनलेस ये प्रोसेस प्रिवेंट किया जाए मैनी डिफिकल्टीज कन्फ्रंट करेंगी मेडिकल एग्जामिनर को। नेक्स्ट है ऑटोप्सी फाइंडिंग। देखिए दोनों इन द क्लोथ एंड द बॉडी ऑफ द विक्टिम इंपॉर्टेंट होती हैं। अरेंजमेंट क्लोथ की ना नोट की जाती है और पार्टिकुलर अटेंशन दी जाती है अंडर क्लोथ के ऊपर। ये यूजुअली सॉइल होते हैं फ्लूड से जिसमें ब्लड भी होता है। जब बॉडी मूव की जाती है तो क्वांटिटी ऑफ फ्लूड जो है ना वो रन कर सकता है आउट ऑफ द वजाइना सोकिंग थ्रू ऑल द क्लोथ जो लाए कर रहे हो बीनीथ द बटक्स। देयर मे बी द स्मेल कार्बोलिक सोप की या एंटीसेप्टिक की जैसे कि डेटोल की रूम में। साइंस प्रेगनेंसी के जो है ना वो असरटेन किए जाते हैं। वल्वा वजाइना सर्विक्स और यूट्रस जो है ना वो एग्जामिन किए जाते हैं फॉर द एविडेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन परफोरेशन और ड्रग एडिक्शन। ये इंजरीज जो है ना वो स्क्रैच से लेके हो सकती हैं फ्रैंक वूंड्स लेबिया का वजाइना सर्विक्स का या यूट्रस का। सर्वाइकल कनाल से ब्लीडिंग कॉमन है बहुत और ये फ्लूड जो है ना हो सकता है वहाँ पर वजाइना में और यूट्रस में। ये फ्लूड जो है वो प्रिजर्व किया जाता है फॉर लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन। अगर फीटस प्रेजेंट है तो एस्टिमेशन उसकी एज की बनाई जाती है। इन केस ओनली द फीटल रेमिनेंट्स आर फाउंड दे शुड बी एग्जामिन्ड बोथ ग्रॉसली भी और माइक्रोस्कोपिकली। एयर एम्बोलिज्म के केस में ना डीप साइनोसिस होती है और कंजेशन होती है। फ्रॉथी म्यूकस ट्रिंज होता है ब्लड के साथ और एग्जुडेट होता है फ्रॉम द माउथ एंड नॉस्ट्रल्स। एयर बबल देखे गए हैं वेन्स पे ओवर द यूट्रस जो कि क्रेपिटेट कर रहे होते हैं। एयर बबल्स आल्सो इन्फीरियर वेना का हवा पे भी होते हैं राइट हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी में और सेरेब्रल और कोरोनरी आर्टरीज में। अब जो सेप्टिसीमिया के केस की डेथ होती है तो उसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जनरली क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची होता है वेल्ची। तो ये जो है इम्पोर्टेंट ये असल में ना नॉर्मल सेप्रोवाइटिक ऑर्गेनिज्म है जेनेटल ट्रैक का लेकिन ये स्ट्रेंथ जो है वो पैथोजेनिक हो सकते हैं नेक्रोटिक टिश्यू में। स्किन इस तरह के विक्टिम की कैरेक्टरिस्टिक येलो ब्रॉन्ज कलर होता है इसकी डीप जॉन्डिस की वजह से ये याद रखिएगा। और डेथ जो है ना 48 घंटों तक होती है टू अ वीक इन द हॉस्पिटल आफ्टर एडमिशन। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो सेप्टिसीमिया करवाते हैं उसमें क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची है एनएरोबिक स्ट्रेप्टोकोका है ईकोलाय से भी होती है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस स्टेफिलोकोकस पायोजिनिस से भी। अब एथिकल ऑब्लिगेशन लास्ट पढ़ते हैं तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो एथिकल ऑब्लिगेशन है वाइल अटेंडिंग अ केस ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन वो इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन का जो ऑब्टेन होती है ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट वो जस्टिफाइड नहीं है। फर्दर पब्लिक ड्यूटी है एज अ सिटीजन दैट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी सच केस। मेडिकल प्रैक्टिशनर इज फिक्स एज टू वट कोर्स शुड बी सिलेक्टेड बिटवीन द प्रिजर्वेशन ऑफ द सीक्रेसी एंड हिज पब्लिक ड्यूटी। मेडिकल एसोसिएशन आर ऑफ द व्यू दैट एनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट शुड नॉट बी डाइवर्ज्ड वॉलंटेरिली विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। इन अ सस्पेक्टेड केस ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन पेशेंट शुड बी इनकरेज टू रिकॉर्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन
इफ डेथ सीम्स इमिनेंट. अपॉन द डेथ ऑफ द पेशेंट द मैटर शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस इमीजिएटली एंड द कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट शुड बी विथहेल्ड. दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो से अब हम मेडिको लीगल एग्जामिनेशन सेक्सुअल ऑफेंडर स्टार्ट करेंगे.